नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, मन तभी स्वस्थ सोच सकता है, कार्य कर सकता है, यदि आपका शरीर स्वस्थ हो। और शरीर का हर अंग रोग के बिना हो, इसके अतिरिक्त यदि शरीर में चिंता भी हो, तो कहते हैं चिंता तो चिता समान होती है। तो मित्रों, हमारा आप सब जानते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के संबंधित ग्रहों, राशियों और भावों से हम एक वेबिनार लेके आ रहे हैं, जिसमें श्री वीपी गोयल जी हमें इन सब वस्तुओं, इन सब चीजों के बारे में समझाएंगे। तो आज एक छोटी सी चर्चा श्री वीपी गोयल जी के साथ इसी वेबिनार के उपलक्ष में। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार जी। भैया, ये हम लोग क्या है, ये तो पराशर जी ने हमें इतना खान दे रखी है ज्ञान की, और वो तो एक शब्द में बता देते हैं जी, और बाकी सब जो ढूंढना है वो आपकी मेहनत होती है। तो पराशर जी ने D27 को बोल दिया है कि ये बला बल को दिखाता है। अब ये नहीं बोला है बला बल क्या, वो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, स्पिरिचुअल भी है, आध्यात्मिक भी है, सब है। अच्छा सर, आध्यात्मिक भी है उसका बल। ओके, अब किसका बल देखना है, ग्रह का, मनुष्य का, राशियों का, किसका देखना भाई? उन्होंने ये भी तो नहीं बताया। तो आज उसी की थोड़ी सी बानगी लेंगे जी, कि बल कैसे देखते हैं। अब जो शुरू की ही परिभाषा होती है वो याद रखना जरूरी होता है, वहीं से शुरू होते हैं हम हमेशा। जी सर, कि मंगल शरीर के शक्ति का कारक है, एनर्जी। सूर्य वाइटेलिटी है, शुक्र चमक है, ठीक है जी, शनि बुढ़ापा, ओल्ड एज वो है। तो उस चीज को हमने जरा सा अब देखते हैं ना, कि देख के कोई अगर अच्छा ज्योतिष का ज्ञाता है वो इसको देख के बता सकता है तुरंत कि आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा या नहीं, रोगों से लड़ने की क्षमता होगी या नहीं, आप पतले दुबले होंगे या मोटे होंगे, चर्बी होगी। तो इतना बढ़िया चार्ट है ये, बहुत ही अच्छा सर, ठीक है जी सर। अब इसमें एक पॉइंट हम बताते हैं। अब कहा है कि भाई मंगल हमेशा जवान है, सेनापति है जी, वो यूथ है। अब D27 में अगर लगन को मंगल देख रहा हो या मंगल वहां विराजमान हो, तो उसकी स्ट्रेंथ, शक्ति, शारीरिक शक्ति बहुत होती है, एथलेटिक जिसको बोलते हैं ना जी सर। एक जरा सा सकलू है बस, कहां देख लिया, D27 में देख लिया कि वो लगन से संबंधित है या नहीं। D27 में उसका संबंध लगन से आ जाए जी, बस बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब व्यक्ति हमेशा यंग फील करेगा, उसी के जैसा साहस दिखने में भी लगेगा, दिखने में भी, काम में भी,
साहस पराक्रम उतना ही जी वो सब आपको दिखाई देगा जी। जरा सा सर पॉइंट है जी और जरा जरा से हमारे वीडियो होते हैं इसीलिए। सर इसे एक चार्ट पे लगा के देख ले, लगाओ मेरा मत ले लेना मेरा ओके ओके सर। सर ये मोदी जी का चार्ट है। हाँ हमेशा ही हम बिल्कुल। अब यहाँ देख लो जी जन्म कुंडली से इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ अब 27 से देख लो मंगल उच्च का है, मगर मंगल की लगन उदय हो रही है, लगन भी उसी की और मंगल लगन को देख रहा है तो व्यक्ति यूथफुल होगा जी, यंग होगा हमें दिखने में जी जी एनर्जी ताकत से भरपूर होगा जी। आ गया कैसे क्लू आ गया एकदम बहुत ही बढ़िया सर, ये व्यक्ति एनर्जेटिक है, हमेशा एनर्जी से भरपूर, जब देखो तब एनर्जी से भरपूर। कभी देखा ही नहीं होगा ये बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं ऐसा। अच्छा अब देखो 20-27 तो काफी फाइनल डिवीजन हो जाती है जी सर है जी। तो ये बहुत अच्छा क्लू है, रेक्टिफाई कर लो भाई साहब और उसको। अब जो लोग भागते रहते हैं भाई वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन है मोदी जी सर मैं आने वाली थी इस पे कि बहुत लोग बार बार यही कहते हैं जी। तो अब यहाँ से आ गया ना, आ गया रेक्टिफिकेशन हो गया टाइम का जी। तो ये जरा सा हमारा वो है। अच्छा बहुत ही अच्छा सर, बढ़िया है ये तो, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं कुछ प्रोग्राम जी सर। जी सर ठीक है जी जी। तो बाकी हम सर से और भी सीखेंगे, ये तो एक छोटी सी वाणी है, बहुत मजेदार चार्ट है ये, बहुत ही चार क्लासें हमारी होनी है एवरी संडे 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक, प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हमारी क्लास होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम अपने शरीर को कैसे पहचाने, हमारा शरीर कितना रोग की। भैया फिर शरीर पे आ रहे हो जी, मैं तो कह रहा हूं मन और अध्यात्म सब पहचान लो, सब पहचान जी सर जी। थैंक यू। शरीर का कौन सा देखिए हमें जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास होता है ना हम उसकी केयर नहीं करते, जो शरीर का भाग अंग पुष्ट है हमें उसकी परवाह नहीं होती है, उसको साले को खराब करने में लगे रहते हैं जी, और जो कमजोर होता है उसको जान के अगर हम ठीक कर ले हाँ। तो ज्योतिष का हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा जी। तो ये जो चार्ट है ये आपको देख करके बताएगा कि आप कहाँ कमजोर हैं जी, और हम थोड़ी भी एफर्ट उसमें कर ले कुछ तो कमजोरी दूर कर सकते हैं हम, बिल्कुल ये फायदा है इसका। ठीक है भैया, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जो भी वेबिनार में जुड़ना चाहते हैं मेरे से 26 सितंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे। 26 नवंबर सर, नवंबर तुमने दिसंबर बोल दिया था। अच्छा सॉरी, चलो 26 नवंबर 9810433384 पर व्हाट्सएप करके या मुझे मेल करके, तो बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार।